हेलो एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों के लिए यहां पर वीडियो लेके आया हूं ऑन दी सीए आर्टिकलशिप। स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा सवाल रहता है कि सर ये आर्टिकलशिप क्या होती है, जिसमें हम बोलते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात आती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कई बार हो सकता है, आपने वर्ड सुना, स्टाइपेंड कितना मिलता है हम लोगों को जब हम ट्रेनिंग ये करते हैं। तो इस सारे सवालों का जवाब लेके मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ पे आया हूँ। तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है फॉर ऑल दो स्टूडेंट जो कि हमारे पास ये सीए का कोर्स कर रहे हैं। तो चलिए बेटा हम अपने पास बात करते हैं अबाउट दी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास सबसे पहली बात आती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या आर्टिकल ट्रेनिंग आपके पास क्या होता है, तो ये आपके पास करने की क्या जरूरत है। हमारे पास बेटा, अगर हम अपने पास चीजों को थ्योरेटिकली सीखते हैं तो हमें अपने पास जब तक हम उसे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे उन चीजों को, इट इज अ काइंड ऑफ अ ऑन द जॉब एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस एक बार के लिए। बिकॉज कल को जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो वहां पर आपको प्रैक्टिकली काम करना है, उसी चीज की आप लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। और ये इंस्टीट्यूट की तरफ से एक मैंडेटरी आर्टिकलशिप कही जाती है जो की रहती है फॉर अ मिनिमम पीरियड। आपके पास जो है यहाँ पर जो पीरियड कहा गया है वो है बेटा 3 ईयर्स का। सो टोटल ड्यूरेशन जो हमारी यहाँ पे है दैट इज 3 ईयर्स ऑफ द आर्टिकलशिप, जो हमें क्या मदद कर रही है, आप लोगों को एक प्रॉपर प्रोफेशनल हम लोग बन रहे हैं, एंड स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एक्वायर करते हैं ऑन द जॉब वर्क एक्सपीरियंस ऑफ अ प्रोफेशनल नेचर। तो वो बच्चे अपने पास में क्या सीख रहे हैं, अपने पास ऑन द जॉब वर्क एक्सपीरियंस, आप जाके प्रैक्टिकली चीजों को अप्लाई कर रहे हैं एंड एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर में जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब अपने पास एग्जैक्टली जाके कल को सीए बनेंगे, क्योंकि आपके पास भी तो यही सिनेरियोस आएंगे, तो हमारे को ये करना बहुत जरूरी है। सर इसके हमारे पास क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, अगर हम अपने पास थोड़ा बारीकी से समझे तो देयर आर लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डूइंग दिस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। द फर्स्ट आपके पास रहते हैं दैट इज एक्विजिशन ऑफ द एडिक्वेट थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, हम अपने पास बात करते हैं अपने पास बुक्स की नॉलेज ड्यूरिंग द एग्जाम्स सीखते हैं, बट यहाँ पे जब आप जाके अपने पास सीखते हैं बेटा, सो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज जो है बहुत ज्यादा और बढ़ जाती है, जिसको हम बात करेंगे आप प्रैक्टिकल सिचुएशंस के अंदर अप्लाई करेंगे। यू गेट टू नो अबाउट द डिफरेंट लॉज आप अपने पास सीख रहे, चाहे वो कॉर्पोरेट लॉज रिलेटेड हो गए, चाहे वो इनकम टैक्स, जीएसटी, आपके आईएफआरएस, ये सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज मिलती है, एंड साथ के साथ आपकी स्किल्स डेवलप होती है कि आप इन चीजों को थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करते हैं कहां पे, प्रैक्टिकल सिचुएशंस में। आप उन चीजों को अपने पास देखते हैं कि वे प्रैक्टिकल सिनेरियोस के अंदर में कैसे होगा, अब ये कंपनी को कौन सी रिक्वायरमेंट फॉलो करनी है, यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटेशन कैसे होगी लायबिलिटीज को लेके, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, वो सारी चीजों को हम अपने पास प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक चीज। द थर्ड वन इज इनकल्केटिंग अ डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड। तो जब आप अपने पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं, उसका मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा कि स्टूडेंट जो है वो इनकल्केट करे एक अपने पास में जो है डिसिप्लिन एटीट्यूड। आप अपने पास जो काम कर रहे हैं वो सिंसियर तरीके से करे, ऑब्वियसली आपके पास इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सिंसियरिटी, हार्डवर्क, आप ये सारी चीजें अपने पास अप्लाई करते हो और इन चीजों के बारे में आप सीखते हैं ड्यूरिंग दिस कोर्स, एंड इट हेल्प्स टू यू बेसिकली बिकम अ बेटर प्रोफेशनल। ठीक है ना। द अनदर वन इज Imbibing the due professional orientation। जैसे मैंने आपको बोला, आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब आप करते हैं तो वहां पर में आपके क्लाइंट्स आप लोगों को मिलते हैं, एंड दोस क्लाइंट्स आपके पास हो सकते हैं बड़ी कंपनीज हो, सो ऑटोमेटिकली होगा क्या, प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर में आएगा। इट हेल्प्स टू इंप्रूव योर पर्सनैलिटी एज वेल, सो आपकी जो है पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आपकी कॉम्युनिकेशन स्किल्स है, ये सारी चीजें इंप्रूव होती है बेटा, एंड इट हेल्प्स टू बिकम यूर बेटर प्रोफेशनल। And the last one is, यहाँ पे एक रहते हैं developing ethical values, एक बड़ी important चीज रहती है। And institute का तो बेटा, आप जब CA final में पढ़ाई करते हैं तो there is something known as the code of conduct, आपके code of ethics की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज रहती है कि ethical values develop करना, because ultimately के हमें जो institute ने guidelines दे रखी है हमें उसके अंदर में चीजों को सीखना है, and आपको ethically चीजों को काम करना, so that helps you to become much more ethical, एंड आप अपने पास प्रोफेशनली चीजों को सीखते हैं। नाउ दीज आर दी सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि हमारा इंस्टीट्यूट देता है, इंस्टीट्यूट हमें प्रोवाइड करता है कि वो क्यों चाहता है कि बच्चे जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम अपनी तरफ से करें। नाउ कम सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके पास क्या एलिजिबिलिटी रहती है आर्टिकलशिप कमेंस करने की। सो सिंपली टू से, जो भी स्टूडेंट बेटा फाउंडेशन रूट से बेसिकली आ रहा है, हम अपने पास बोलते हैं पहले सेफ्टी रूट से आ रहा था, वहां पर में द क्राइटेरिया इज
कि आप बच्चों को सीए इंटर या सीए आईपीसीसी का कोई भी एक ग्रुप या दोनों ग्रुप अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आप आर्टिकलशिप अपनी शुरू कर सकते हैं। फॉर दो स्टूडेंट्स जो फाउंडेशन रूट सीपीटी रूट से आते थे, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे उन्हें सिंगल ग्रुप या दोनों ग्रुप क्लियर करने होते हैं सीए इंटर के। और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट की दो ट्रेनिंग होती है, वन इज ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड वन इज द आईटीटी प्रोग्राम, ये भी आपको साथ में कंप्लीट करना होता है बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट विद योर आर्टिकलशिप। तो जो फाउंडेशन सीपीटी एंट्रेंस होते हैं, फाउंडेशन रूट वाले एंट्रेंस होते हैं, उन्हें अपने पास करनी होती है आर्टिकलशिप। कब शुरू कर सकते हैं? ईदर या बोथ द इंटरमीडिएट के आपके पास ग्रुप्स एंड साथ में एंड है बेटा, यानी कि इसके साथ में आपको जो इंस्टीट्यूट की इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, जिसे हम अपने पास आईटीटी बोलते हैं, एंड एक आपके पास रहता है ओरिएंटेशन कोर्स, तो ओसी। तो ये आईटीटी एंड ओसी आपके पास कंप्लीट करने, और साथ में आपका सिंगल ग्रुप या दोनों ग्रुप क्लियर होने चाहिए इंटरमीडिएट के। एंड जो डायरेक्ट एंट्री रूट के होते हैं बेटा, डायरेक्ट एंट्री रूट के होते हैं, ऑब्वियसली उन्हें फाउंडेशन नहीं देना पड़ता, बट ऐसा नहीं कि उनकी इंटरमीडिएट के बाद शुरू, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री रूट क्या, डायरेक्टली आर्टिकलशिप शुरू हो जाती है, पर उन लोगों को भी अपनी ओरिएंटेशन और आईटीटी ट्रेनिंग करनी है। मतलब कि वो इंटरमीडिएट के एग्जाम्स तो बाद में देंगे, वो डायरेक्ट एंट्री रूट के बाद डायरेक्टली आर्टिकलशिप शुरू करते हैं, बट साथ के साथ उन्हें ये चीज जरूर है कि जो ओरिएंटेशन और आईटी प्रोग्राम है वो जरूर करना है। तो दे कैन कमेंस इमीडिएटली आफ्टर रजिस्ट्रेशन फॉर अपने पास इंटरमीडिएट कोर्स एंड कंप्लीटिंग द जो आईटीटी ट्रेनिंग एंड ओसी ट्रेनिंग है। तो उन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करानी, उनको इंटरमीडिएट के एग्जाम्स नहीं देने होते, वो डायरेक्ट एंट्री रूट वाले डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कराए आईटीटी और ओसी के अपने पास में, और दे कैन स्टार्ट विद द आर्टिकलशिप, दे कैन स्टार्ट विद द आर्टिकलशिप। तो देर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर बोथ द सीपीटी रूट स्टूडेंट, बेसिकली फाउंडेशन रूट स्टूडेंट एंड ऑल्सो द डायरेक्ट एंट्री रूट स्टूडेंट। तो एक डिफरेंट क्राइटेरिया है दोनों के लिए। नाउ प्रोसीजर क्या रहता है आपके पास, कौन सा फॉर्म आपके पास भरना पड़ता है, कितने समय के अंदर आपको भरना पड़ता है बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट विद योर आर्टिकलशिप। तो बेटा यहाँ पर मैं कहा गया है कि आपने जब कोई भी जो आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो, तो आप जिस सीए के अंडर में ट्रेनिंग करेंगे वहां पर मैं आप लोगों को 30 डेज के अंदर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग आप लोगों को इंस्टीट्यूट को फॉर्म भेजना होता है, अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं। सो फॉर द आर्टिकलशिप द एलिजिबल कैंडिडेट शुड फाइंड द सीए फॉर्म्स, वो सीए फॉर्म जिनके पास वैकेंसीज है ऑब्वियसली, एंड वो इन्फॉर्म करेंगे आईसीआई को कितने दिनों के अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग। तो जब आपने ट्रेनिंग शुरू कर ली उसके 30 डेज के अंदर तक आपका टाइम होता है कि आप इंस्टीट्यूट को बता दीजिए कि आपने अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर ली है सीए के अंडर में, एंड अपनी आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर देते हैं अलॉन्ग विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। और वो जो फॉर्म है बेटा दैट इज प्रिस्क्राइब फॉर्म दैट इज 102 एंड 103, जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अवेलेबल होती है, और साथ के साथ जो आर्टिकलशिप की रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो स्टूडेंट सबमिट करता है, एंड इसके साथ में ही फिर इंस्टीट्यूट की तरफ से कंफर्मेशन आता है और आपकी आर्टिकलशिप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट जिस दिन आपने फॉर्म भरा था तब से आपके पास स्टार्ट हो जाती है, तब से आपका शुरू हो जाती है आपकी जो आर्टिकलशिप। तो हमें शुरू करने के 30 डेज के अंदर में इंस्टीट्यूट को बताना होता है, एंड फिर इंस्टीट्यूट की तरफ से कंफर्मेशन भी आ जाती है कि आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो चुकी है फ्रॉम द डेट जब से आपने ट्रेनिंग शुरू करी थी, ठीक है ना। देन जब आप आर्टिकलशिप करते हैं तो देर आर लॉट ऑफ एरियाज जहां पे आपको वर्क एक्सपीरियंस मिलता है इन अ नॉर्मल। इसके अलावा भी आज की डेट में तो बेटा बहुत ज्यादा ऐसे एरियाज है जहां पे जो स्टूडेंट है उन्हें चीजें सीखने को मिलती है, लाइक अकाउंटिंग का आप काम सीख रहे, ऑडिटिंग का काम सीख रहे, टैक्सेशन का काम सीख रहे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट सर्विसेज है, कंसल्टेंसी है, देर आर लॉट मेनी एरियाज। एंड आज की डेट में तो विद द आपके चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म देर आर न्यू एरियाज ऑफ वर्क जो रहते हैं, सो देर इज अ स्कोप जो है बेटा बहुत ज्यादा है। एंड हमारे पास जो है हमेशा की ये चीज रहती है कहीं ना कहीं कि क्या हमें आर्टिकलशिप बिग फोर में करनी चाहिए, हमें मिड साइज फर्म में करनी चाहिए, एक सवाल ये भी बच्चों के माइंड में रहता है। तो घबराइए मत, इसको लेके मैंने स्टूडेंट्स अपनी तरफ से एक स्पेसिफिकली एक वीडियो डाली थी अपने ही चैनल पे कुछ समय पहले कि क्या बिग फोर में आर्टिकलशिप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो यहां पर मैं इसको लेकर आप उस वीडियो को जरूर रेफर कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, ताकि आपको पता चल जाएगा क्या हमें फायदे हैं, क्या हमें नुकसान है बिग फोर में करने के ना करने के। सो ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स एंड ऑब्वियसली आपके चीजें रहती है कि मिड साइज फॉर्म में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आर्टिकलशिप करनी जरूरी है। प्लीज डमी आर्टिकलशिप हम नहीं करेंगे, अपना चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, बिकॉज तभी तो हम एक अपने पास में एक प्रॉपर प्रोफेशनल बनेंगे, और कल को जाके हम अपने पास प्रैक्टिस है चाहे जॉब है जो भी हम अपने पास परस्यू करते हैं उसमें हमें इस चीज का फायदा बहुत ज्यादा मिलता है। सो
ये चीज एक बहुत अहम फैसला होता है हमारे पास, आर्टिकलशिप कहां से करनी है, तो उसको लेकर मैंने आपको वीडियो के बारे में रेफरेंस दे दिया। एंड देयर आर लॉट ऑफ एरियाज जहां पे जो है आप काम सीखने को मिलता है ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप। अनदर एक छोटा सा स्टूडेंट का सवाल रहता है कि सर आर्टिकलशिप कर रहे हैं क्या कुछ हमें मिलेगा भी यहां पे, क्या कोई पैसा मिलेगा स्टाइपेंड? तो बेटा मेरा एक हमेशा चीज रहती है, इंस्टीट्यूट ने स्टाइपेंड जरूर दिया हुआ है, आप एक लर्निंग फेज में, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को भी सीखे, डोंट गो फॉर कि हमें कहां पे ज्यादा हमें स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, एक पैरामीटर आप रख सकते हैं, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, इंपॉर्टेंट थिंग हमारे लिए क्या है, चीजों को सीखना, हमें अपने पास लर्निंग करनी है, हमें अभी उस फेज में लर्निंग करने की, जितना ज्यादा सीखोगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। बट फिर भी जो इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस है हमारी विद रिस्पेक्ट टू द स्टाइपेंड टू आर्टिकल असिस्टेंट्स जो ट्रेनिंग को है, वहां पर उन्होंने डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, आप जहां पे ट्रेनिंग अपने पास कर रहे हैं वहां पे बेटा उन्होंने बोला है जो भी जहां की पॉपुलेशन 20 लाख एंड अबव है, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ योर ट्रेनिंग, सेकंड ईयर ऑफ ट्रेनिंग एंड इन द लास्ट ईयर ऑफ द ट्रेनिंग जो रहता है, पर मंथ स्टाइपेंड बोला हुआ है, दैट इज द मिनिमम, दैट इज द बेयर मिनिमम, इससे ज्यादा जनरली दिया जाता है कुछ फर्म्स के द्वारा। सो 2000 इन द फर्स्ट ईयर पर मंथ है, 2500 पर मंथ एंड 3000 पर मंथ। सर ये बहुत ज्यादा नहीं है, हम सार्कास्टिक वे में बोल रहा हूँ बेटा, देखे मैंने अपने तरफ से क्या बोल रहा है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज द लर्निंग, ये मिल रहा है आपके पास ठीक है, कम भी मिल रहा है आपके पास, कम तो इससे नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा ही मिल रहा तो भी ठीक है आपके पास, तो दिस द मिनिमम स्टाइपेंड, बट इंपॉर्टेंट चीज पैसा नहीं, इंपॉर्टेंट चीज लर्निंग है अभी के लिए, पैसा तो इसके बाद सीए करने के बाद अच्छा खासा आपने कमाना ही है, ठीक है ना। एंड जिन सिटीज की पॉपुलेशन 400,000 एंड अबव है बट लेस देन 20 लाख, तो ऑब्वियसली वो थोड़ी मिड साइज आपके पास सिटीज में आ गए, तो वहां पर में स्लैब्स कम है, 1500, 2000, 2500 फर्स्ट ईयर, सेकंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। एंड जिनकी पॉपुलेशन लेस देन 4 लाख है वहां पे और कम हो जाता है, 1000, 1500 एंड 2000 पर मंथ फॉर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली आपके पास रहता है। तो ये इंस्टीट्यूट ने बताए हुए कि कितना स्टाइपेंड पर मंथ एक आर्टिकल असिस्टेंट को मिलता है जब वो अपने पास ट्रेनिंग करता है, एक इंफॉर्मेशन जो एज अ ट्रेनी हमें पता होना चाहिए कि इतना तो बेयर मिनिमम भाई, इतना तो हक का है, ये तो इंस्टीट्यूट ने कहा रखा है, तो आपके पास इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन जो बच्चों का रहता ही रहता है हमेशा, कि सर एक चीज सुनी है हमने, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी होती है, कि इंडस्ट्री के पास ट्रेनिंग करी जाती है, तो वो क्या चीज होती है, कब कर सकते हैं वो चीज? तो बेटा यस, देयर इज समथिंग नोन एज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो आपके द्वारा करी जा सकती है, जो इंडस्ट्रीज के पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलते हैं, जिसके कुछ बेनिफिट्स एसोसिएटेड रहते हैं, पर ये हमारे पास जो है ये अभी मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा कि कब करी जाती है, आप अपने पास ये नहीं कि आप स्टार्टिंग ही इससे कर लीजिए, आपको जो स्टार्टिंग है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो आपकी शुरू प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर में ही होती है, ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपकी इंडस्ट्रीज में कंपनीज में आप जाके अपने पास करते हैं। सो इट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन अ कंपनी और एन इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट जो हेल्प करती है स्टूडेंट्स को किस में, रिक्वायर्ड स्किल्स के लिए जो कल को उन्हें एक प्रोफेशनल बनने में मदद करती है ऑफ द फ्यूचर। एंड आई से एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इट एम्स टू इक्विप द कैंडिडेट्स हु विश टू परस्यू अ करियर इन द इंडस्ट्री। अगर आपको लगता है कि हमने कल को जाके जॉब करने, हमने इंडस्ट्री में करियर अपने पास परस्यू करना है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा ये एडवांटेजियस हो जाती है। ऑब्वियसली जिनको ये होता है कि हमने प्रैक्टिस करनी है लेट से, तो उन लोगों के लिए जनरली इतनी रिकमेंडेड नहीं रहती है, जिन्होंने कल को जाके इंडस्ट्री में अपने पास जाके सेटअप करना है, उन्हें जॉब करनी है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज उनको और ज्यादा इंडस्ट्री के बारे में उनकी बारीकियां पता चल जाती है, वहां का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। सो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है एंड द एप्रिसिएशन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट इन द इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। इट डेवलप्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड अमंग्स द फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड प्रिपेयर देम फॉर वर्क लेटर ऑन। तो आप लोगों को पता चलेगा एग्जैक्टली इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, बिकॉज जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो नॉर्मल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो आप जाके सिर्फ लेट्स से ऑडिटिंग अकाउंटिंग कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहे हो उस कंपनी को, बट यहाँ पे आप जाके रियल टाइम एनवायरनमेंट में ही काम कर रहे हो, जो कि कल को सीए बनने के बाद जो पर्सन है जॉब करेगा, तो वहां पे वो जो चीजें करेगा आप उसी की पहले से ट्रेनिंग कर। तो ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है, जिनको कल को लेट से जॉब में जाना है तो वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग परस्यू कर सकते हैं। तो जो भी पर्सन, जो भी कैंडिडेट अपने पास डिजायर से बेटा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, उसका क्या क्राइटेरिया है? अ कैंडिडेट जिसके पास हो चुके बेटा इंटरमीडिएट या आईपीसी वाले जो ओल्ड स्कीम बोथ ग्रुप्स, वो एलिजिबल है इसको करने के लिए इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल कमर्शियल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स, या जो स्पेसिफाइड किया गया बेसिकली हमारे काउंसिल के द्वारा या इंस्टीट्यूशन के द्वारा और सच ऑर्गेनाइजेशन एज में भी आपके पास काउंसिल ने जो इनको अप्रूव किया है उनके अंडर में। एंड उसको ये बताना पड़ता है उस प्रिंसिपल को जिसके अंडर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करता है अबाउट द इंटेंशन कि वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहता है,
और वो कम से कम बताना होता है एटलीस्ट 3 months बिफोर द डेट ऑन विच द ट्रेनिंग इज टू बी कमेंस्ड. अब जब शुरू करने की सोचो उससे एटलीस्ट 3 महीने पहले एक बार के लिए रूल्स में लिखा गया कि वो आपको बताना पड़ता है अपने प्रिंसिपल को कि आप ऐसा सोच रहे हैं. इंपॉर्टेंट थिंग है आपके पास कि ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है लास्ट 1 ईयर में ही करी जा सकती है. द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द सेम कैन बी ओनली 1 ईयर एक बार के लिए. तो वो एक चीज हमारे पास रहती है कि जिसके बारे में स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए. देन क्या फायदे रहते हैं इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के. जैसे बेसिक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के हमने फायदों की बात करी, ऑब्जेक्टिव्स की बात करी, वैसे ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के हमारे पास क्या फायदे. देयर आर सर्टेन ऑब्वियसली अ डिफरेंट ऑल टुगेदर एक्सपीरियंस जो बच्चा सीखता है. सो इट्स अ न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस बिकॉज आप प्रैक्टिकली अब जाके इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. अब वहां पे जो उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी रोल है वो आपको मिल रहा है, वहां पे वहीं पर एग्जैक्टली लाइव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं. अब जाके ये नहीं है कि काम हो चुका है उसको ऑडिट कर रहे हैं सिर्फ, अब वहीं पे खुद काम कर रहे हैं. तो यू गेट टू इंटरेक्ट विद द मेंबर्स ऑफ द अदर डिसिप्लिन्स. आपकी बहुत ज्यादा लोगों से अलग अलग प्रोफाइल जो कंपनी में लोग काम करते हैं वहां के लोगों से आपकी बातचीत होती है. हाई स्टाइफंड अमाउंट एक जरूर रहता है विच इज कि आपको स्टाइफंड ऑब्वियसली वहां पे इंडस्ट्री वाले जो दे रहे हैं आपको, कंपनी वाले दे रहे हैं, वो एक आपको अच्छा खासा स्टाइफंड देते हैं उस दौरान में, ठीक है ना. बट दैट इज नॉट द मेजर क्राइटेरिया फॉर अस कि हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इस वजह से करना चाहते हैं. जैसे मैंने पहले ही बोला था, आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं फॉर द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज. ये आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे बन जाते हैं बिकॉज आप ऑन दी जॉब जब आप कर रहे हैं तो एक कंपनी के अंदर में इतने सारे लोग हैं, इतनी प्रोफाइल के लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपके एक अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं कि कल को आपके जिसका मदद मिलता है. एक ब्रांड नेम आपके पास है जो आपकी प्रोफाइल में ऐड हो जाता है कि आपने इस कंपनी के अंदर में, लेट्स से इंडस्ट्री में आपने अपने पास में क्या करी है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है. तो वो एक ब्रांड नेम आपकी प्रोफाइल में, आपके सीवी में जरूर जुड़ जाएगा. एंड आपकी अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ जाती है ऑफ गेटिंग प्लेस इन अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन. कल को जब अपने पास में बेटा सीए कंप्लीट कर लेता, आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो एक कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस से, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से आपको कहीं ना कहीं एज मिल जाता है कि जिससे आपके पास एक बेटर प्लेसमेंट हो सकती है. बिकॉज आपको एक इंडस्ट्री का रियल टाइम एनवायरनमेंट, आपने बिल्कुल काम वहां पे करा हुआ है, तो वो आपके एक स्किल्स को डेवलप करने में मदद करता है जिससे कि वो आपके सीवी में आता है. जैसे मैंने कहा आपका ब्रांड नेम जुड़ता है और उससे आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है कि आप अपने पास में एक अच्छी जगह जॉब कर सकते हैं, ठीक है ना. एंड लास्ट हम एक बार के लिए इस चीज को कंक्लूड करते हैं कि भाई हमारा क्या फायदे है बेसिकली आर्टिकलशिप करने के इन द सीए कोर्स. तो जैसे हमने कहा बेटा हम जो थ्रेटिकल नॉलेज है हम उसको प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई करना शुरू करते हैं. तो सबसे पहली चीज जो भी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमने डमी से चल जाएगा सर काम, द आंसर इज नो. हमें आर्टिकलशिप जरूर करनी, हमें प्रैक्टिकली चीजों का पता चलता है, हम एक सिंपल बोलते हैं ना एक बंदा बन जाते हैं. हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है कि हमें चीजों का पता चल जाता है, उठना बैठना इतनी चीजें बेटा सीखते हैं हम लोग, काम को सही तरीके से करना, सिंसियरिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी. जैसे मैंने इट हेल्प्स टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच अ स्टूडेंट गेट टू लर्न ड्यूरिंग हिज और हर आर्टिकलशिप. तो वो आपके पास एक प्रॉपर आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, आपको चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू कर देगा. सो ये बात तो मन से बिल्कुल निकाल देना कि हम सिर्फ किताबी कीड़े रह जाएंगे, हम सिर्फ पढ़ते ही रह जाएंगे, हम सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेते रहेंगे, हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, हम सिर्फ पेपर पास करेंगे, हमारा मेन फोकस पेपर है. नो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली चीजों को सीखना. तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज मस्ट. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर वो आपका ऑप्शन है, आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, डिपेंडिंग ऑन आपका आगे का क्या आप सोचते हैं फ्यूचर और आपको एक अच्छी जगह पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिल रही है नहीं मिल रही, तो वो एक अलग चीज है. बट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको जरूर करनी है जो हमने यहाँ पे बात करी. तो द आर्टिकलशिप हेल्प्स मोल्ड सीए स्टूडेंट्स इनटू ट्रू प्रोफेशनल्स by providing them with the necessary experience to handle the clients in the real world and helping them developing a professional attitude, decision making skills and better communication skills. Because aap log jab audit pe jate hain to aap logo ka us organization ke management managers wagaira ke sath aap jo log profile ko unke sath aapka baat cheet hota hai, uthna baithna hota hai, aapki personality develop hoti hai, communication skills develop hote hain and ek aap overall true professional bante hain. So that are the benefits which are associated with doing the articleship, basically your practical training, wherein in this particular video मैंने इन सारी चीजों को आपके साथ discuss किया. Hopefully हमें इन सारी चीजों के बारे में आज पता चला है और एक हम अपने पास अब पूरा अपने पास फैसला बना रहे हैं कि हमने ट्रेनिंग तो करनी ही करनी है जरूर, जिसके इतने सारे फायदे हैं. हमें एक रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता चला कि कब कर सकते हैं, स्टाइपेंड के बारे में भी हमने जरूर सीखा, चाहे वो हमारा एक मेन क्राइटेरिया नहीं होता बट ये पता होना चाहिए जो बेसिक मिनिमम है वो तो हमारा बनता ही है हक्का, ठीक है ना. एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, एक जो स्टूडेंट का सवाल रहता है मैंने बीच में ही बोला था
क्या हमें बिग फोर में करनी चाहिए, मिड साइज में करनी चाहिए, तो उसको लेके मैंने जैसे बोला है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वो मैंने पहले वीडियो स्टूडेंट्स की डाली हुई, तो उसको भी जरूर देख लेना ताकि आपको उस बारे में पता चल जाए, टू हेल्प यू टेक अ डिसीजन कि कहां से आपको आर्टिकलशिप करनी है। तो होपफुली आप बच्चों को ये वीडियो बेटा यूजफुल लगी होगी। आपके कोई भी सवाल होते किसी भी चीज को लेकर जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए, और आप अपने पास इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों के लिए आने वाले समय में मैं और यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस जरूर लेके आता रहूंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय बाय।